नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे कविता उषा के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये कविता पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है उषा कविता किसकी रचना है। बच्चों हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जी हाँ 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। उषा कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उषा दिन का कौन सा समय होता है। उषा दिन का कौन सा समय होता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए प्रभात, ऑप्शन बी मध्याह्न, ऑप्शन सी संध्या, ऑप्शन डी रात्रि। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए केसर, ऑप्शन बी सिंदूर, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी शंख। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी शंख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है। बच्चों 5 सेकंड बोलकर भी मैं अगर पूरे 5 सेकंड नहीं दे रहा तो आप वीडियो को रोक कर भी कमेंट कर सकते हो, सोच सकते हो, वो आपके ऊपर है। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए भोर के तारे को, ऑप्शन बी भोर के नभ को, ऑप्शन सी भोर की वायु को, ऑप्शन डी भोर की किरण को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी भोर के नभ को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है। उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए चंद्रमा के, ऑप्शन बी कवि के, ऑप्शन सी सूर्य के, ऑप्शन डी भोर के तारे के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत काली सील किस लाल से धुली हुई लगती है। बच्चों आज के वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। बहुत काली सील किस लाल से धुली हुई लगती है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी सिंदूर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी केसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उषा का जादू टूटने का क्या कारण है। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए ओस, ऑप्शन बी सूर्योदय, ऑप्शन सी चंद्रास्त, चंद्रास्त मतलब चंद्र का अस्त होना, ऑप्शन डी तारे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्योदय। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आठवां प्रश्न, उषा कविता में किस रंग की खड़िया चौक मलने की बात कही गई है। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चौक मलने की बात कही गई है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए नीली, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी लाल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है। बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड पाठ और कविताएं पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए फर्श, ऑप्शन बी चौका, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी काली सील।
पांच चार तीन दो एक जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी चौका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, उषा कविता में बहुत काली सील की किस से धुलने की बात कही गई है। उषा कविता में बहुत काली सील की किस से धुलने की बात कही गई है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लाल केसर, ऑप्शन डी वर्षा। पांच चार तीन दो एक जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल केसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए उषा का, ऑप्शन बी निशा का, ऑप्शन सी निशाचर का, ऑप्शन डी भूत का। पांच चार तीन दो एक जीरो सही उत्तर है ऑप्शन ए उषा का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 12वां प्रश्न, सूर्य का जादू टूटने का समय क्या है। बच्चों इसी तरह के और भी एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में देख लेना। सूर्य का जादू टूटने का समय क्या है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए सूर्यास्त, ऑप्शन बी प्रदेश, ऑप्शन सी सूर्योदय, ऑप्शन डी प्रहर। पांच चार तीन दो एक जीरो सही उत्तर है सूर्योदय। चलिए बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और इस कविता का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। और इसी कविता को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।